नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिव्यक्त प्रस्थापना के बारे में और विवक्षित प्रस्थापना के बारे में। अभिव्यक्त प्रस्थापना क्या होता है और विवक्षित प्रस्थापना क्या होता है? अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अभिव्यक्त प्रस्थापना और विवक्षित प्रस्थापना के बारे में। चलिए आपको बोर्ड पर ले चलते हैं और साथ में आपको बताते भी हैं और लिखते भी हैं, ठीक है? नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अभिव्यक्त प्रस्थापना, तो ध्यान दीजिएगा, अभिव्यक्त प्रस्थापना से तात्पर्य अभिव्यक्त प्रस्थापना से तात्पर्य ऐसी प्रस्थापना से है जो शब्दों द्वारा की जाती है समझ गए? मतलब अभिव्यक्त प्रस्थापना एक्सप्रेस प्रपोजल जो है, इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसी प्रस्थापना, ठीक है, जो शब्दों द्वारा की जाती है, ठीक है? और आगे ध्यान दीजिएगा, शब्द लिखित हो सकते हैं, मतलब कहा कि शब्दों द्वारा की जाती है ना, तो शब्द लिखित हो सकते हैं, अथवा मौखिक भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो शब्द हैं, मतलब शब्दों द्वारा अभिव्यक्त प्रस्थापना की जाती है, तो वो शब्द जो हैं वो लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, अतः जो प्रस्थापना लिखित अथवा मौखिक शब्दों द्वारा की जाती है, ठीक है? मतलब जो प्रस्थापना लिखित अथवा मौखिक शब्दों द्वारा की जाती है उसे अभिव्यक्त प्रस्थापना या प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो प्रस्थापना लिखित
अथवा मौखिक शब्दों द्वारा की जाती है उसे अभिव्यक्त प्रस्थापना या प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विवक्षित प्रस्थापना या प्रस्ताव के बारे में। विवक्षित प्रस्थापना, विवक्षित प्रस्थापना, इंप्लाइड प्रपोजल, विवक्षित प्रस्थापना, ध्यान दीजिएगा, जो प्रस्थापना शब्दों से भिन्न प्रकार से की जाती है। ठीक है, जो प्रस्थापना शब्दों से भिन्न प्रकार से की जाती है, तो शब्दों से भिन्न प्रकार से मतलब व्यवहार अथवा आचरण द्वारा की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो प्रस्थापना शब्दों से भिन्न प्रकार से की जाती है, मतलब ये कि विवक्षित प्रस्थापना शब्दों से भिन्न प्रकार का मतलब शब्दों द्वारा नहीं, मतलब व्यवहार अथवा आचरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रस्थापना शब्दों से भिन्न प्रकार से की जाती है, शब्दों से भिन्न प्रकार से की जाती है अर्थात व्यवहार अथवा आचरण द्वारा की जाती है, ठीक है, मतलब जो प्रस्थापना शब्दों से भिन्न प्रकार से की जाती है अर्थात व्यवहार अथवा आचरण द्वारा की जाती है उसे विवक्षित प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्थापना शब्दों से भिन्न प्रकार से की जाती है अर्थात व्यवहार अथवा आचरण द्वारा की जाती है, इसको आपको ध्यान देना, याद रखना है। ठीक है, मतलब अभिव्यक्त प्रस्थापना क्या होता है कि जो प्रस्थापना शब्दों द्वारा की जाती है, मतलब शब्द लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं, लेकिन विवक्षित प्रस्थापना जो होता है, जो इंप्लाइड प्रपोजल होता है, ठीक है, इंप्लाइड प्रपोजल शब्दों द्वारा नहीं होता है, ठीक है, शब्दों से भिन्न प्रकार से, अर्थात क्या कि व्यवहार अथवा आचरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पहले पूछा जाता था, लेकिन बीच में एमसीक्यू टाइप के एग्जाम्स होने लगे, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।